पोल्ट्री ब्रीडर्स एसोसिएशन की मांग पर सरकार सोया डीओसी के आयात के लिए मियाद बढ़ा सकती है। इस संबंध में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा डीजीएफटी को पत्र लिख निर्देश देने की खबर भी सामने आई है। इससे तिलहन बाजार पर दबाव है। सोपा ने पोल्ट्री वालों की मांग का विरोध किया है। सोपा का कहना है कि देश में सोयाबीन की मांग और आपूर्ति की स्थिति संतोषजनक है, क्योंकि घरेलू सोयाबीन उत्पादन में 15% की वृद्धि हुई है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर भी बाजार में चिंता है। विदेशी बाजारों में दबाव और भारतीय वायदा बाजारों में मुनाफा वसूली की बिकवाली बढ़ने से अधिकतर प्लांटों में सोयाबीन के भाव में उतार चढ़ाव देखने को मिला है और करीब 100 से 200 रुपए की गिरावट भी दर्ज की गई है। मंडियों में सोयाबीन घटकर नीचे में 6000 और ऊपर में 6400 रुपए और प्लांट खरीदी भाव 6400 से 6500 रुपए प्रति क्विंटल रह गए हैं। देश भर में सोयाबीन की आवक करीब 6 लाख बोरी के करीब रही, जिसमें मध्य प्रदेश में आवक 3 लाख बोरी की बताई गई, परंतु कई कारणों को देखते हुए सोयाबीन में ज्यादा मंदी की गुंजाइश नहीं लग रही है। वहीं अफ्रीका में बढ़ रहे नए कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार भी कोई ठोस कदम उठा सकती है। इधर राजस्थान सरकार ने तेल तिलहन पर स्टॉक लिमिट लागू कर दी है। सोया तेल में भी अपेक्षित ग्राहक की नहीं होने से भाव में मंदी रही। आपको बता दें कि सोयाबीन तेल इंदौर 5 रुपए घटकर 1235 से 1240 और मूंगफली तेल 1340 से 1350 रुपए प्रति 10 किलो रह गए हैं। वही केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को पुरुषोत्तम रूपाला ने पत्र लिखकर सोया मील आयात के मसले पर एक्शन लेने की गुजारिश की है। भारत सरकार ने 12 लाख टन सोया मील आयात करने की इजाजत दी थी, जिसमें से अभी तक 6.5 लाख टन आयात हो चुका है। बाकी 5.5 लाख तो सोया मील के आयात को 31 मार्च तक आने की अनुमति मांगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।